एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग का दो ब्यूटीफुल ब्राइडल बन हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप मेरे लुक पे मत जाइए कि मैंने बहुत ज्यादा ऑयलिंग की हुई है और आज हेयर वॉश नहीं कर पाई। तो चलिए हेयर स्टाइल पे ध्यान दीजिए और वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। वीडियो में कुछ भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हेयर स्टाइल अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा हेयर स्टाइल का लुक, वाह। तो कैसे बनाया है मैंने आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दूसरा जो चैनल है सिलाई कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको उस चैनल पे मिलेंगी। प्रीत तिवारी 2 चैनल का नेम है, तो वहाँ पे भी जरूर जाएगा। इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, प्रीत तिवारी 24 PREET ओनली, प्रीत नॉट प्रीति। कई लोग प्रीति सर्च करते हैं जिसकी वजह से इंस्टा आईडी खुलती नहीं है और फिर बोलते हैं कि मैम नहीं खुलता है, कितना भी ट्राई करते हैं। तो प्रीत तिवारी सर्च कीजिए तो इजिली खुल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो दूसरा बन हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ यहाँ पे मैं, वो भी आपको इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है। बट एक लाइन प्रॉपर लाइन से आपको एक पार्टिंग कर लेनी है, उसके बाद से आपको दोनों साइड से पार्टिंग करने के बाद से फ्रंट का जो हेयर है उसको फ्रंट में ही सिक्योर कर देंगे, ताकि जब हम लोग हेयर स्टाइल बनाएं तो हमको कोई दिक्कत ना आए, मतलब हेयर आपको डिस्टर्ब ना करे फ्रंट के हेयर। इस तरीके से हमने फ्रंट के हेयर को फ्रंट में कवर कर दिया है। अब अच्छे से बैक के हेयर को कॉम करेंगे और यहाँ से इस तरीके से हेयर को लेंगे दोनों साइड से। ओके, अभी इसको कॉम कर लेंगे। कॉम करने के बाद से इस तरीके से लूज हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, ऊपर की तरफ पुल करके यहाँ पे आपको इसको क्लिप से सिक्योर कर देना है। ब्राइड का जब भी हेयर स्टाइल बनाते हो थोड़ा सा मतलब क्राउन एरिया से हल्का सा वॉल्यूम देना चाहिए, जैसे कि पफ दे दो, लेकिन बहुत ऊंचा पफ नहीं देना है, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने बना दिया है, क्योंकि ऊंचा वाला पफ अभी नहीं चल रहा है, वजह से थोड़ा सा लूज पफ मतलब थोड़ा सा इस तरीके का फ्लैट पफ का लुक देंगे, जैसे कि क्राउन एरिया में आपके बाल भी कम ना लगे और हमारा स्टाइल भी बहुत अच्छा दिखे। ओके, अब आपको इस साइड से हेयर जो बचे हुए हैं इनको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। एंड जैसे लास्ट वाला पार्ट है इसको इस तरीके से उठाएंगे। ओके, और इसमें एक सिंपल सी चोटी बना लेंगे, सिंपल चोटी जैसे आप बनाते हो वैसे बना लेंगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपल सी चोटी गूंथ लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंथनी है, थोड़ी सी लूज ही गूंथ लीजिएगा। सॉरी, पूरा एंड तक इसको गूंथ लेंगे। आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा गाइस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा मैंने फर्स्ट में एक चोटी गूंथी है, बीच से थोड़ा सा हेयर छोड़ा है, फिर से एक चोटी गूंथी है, फिर साइड से एक हेयर छोड़ा है। अब इसको चोटी कैसे बनानी है वो ध्यान से देखिएगा, और जूम कर लेती हूँ कैमरे को ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी क्या करना है, इस साइड के हेयर को छोड़ देना है सिंपली, और जो हमारे पास ये 3 लेयर वाले हेयर बचे हुए हैं इन तीनों को इस तरीके से उठाएंगे, जैसे सिंपल सी चोटी गुटते हैं ना वैसे लेंगे। इस तरीके से ऊपर से लेके आएंगे, फिर जो फ्रंट का लेयर है उसको नीचे से लेके इस तरीके से बनाएंगे, फोरमेट चोटी जैसे बनाते हैं। फोरमेट चोटी अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने अपने चैनल पे लिंक डाला हुआ, सॉरी चैनल पे वीडियो डाला हुआ है प्रॉपरली, जिससे कि आप इजिली बना लोगे, तो वो देख लीजिएगा। अब इस तरीके से पूरा गुटते जाएंगे इसको, और यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा सा जो आपका हेयर है इसको लूज करते जाइए। चोटी वाले सेक्शन को लूज नहीं करना है, लेकिन जो जो सिंपल बाल है उनको थोड़ा थोड़ा सा लूज करते जाइए इस तरीके से, बहुत प्यारा सा लुक आएगा। इसी तरीके से पूरा गुंथते जाएंगे इसको एंड तक। और साथ ही साथ इसको इस तरीके से फैलाते जाएंगे, जिससे कि आपकी जो आप जो लुक बनाना चाहते हो वो प्रॉपरली बन पाए। आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा गाइस। तो आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा है, इस तरीके से बनाना है पूरा। और इसको जहाँ पे आपने रबर बैंड लगाया है
वहाँ पे ले जाके इस तरीके से क्लिप की मदद से सिक्योर कर देना है। वाह, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा लुक आया है हमारे यहाँ से। अब जो आपके साइड के हेयर बचे हैं इनको लेना है सिंपली, और फ्रंट से थोड़ा सा लेयर निकाल देना है जिससे कि आप इसको बाद में कर्ल्स कर सको और ब्राइडल का लुक जो है वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। अब इसको सिंपली कॉम करके बैक साइड में लेके जाएंगे और जहाँ पे आपने क्लिप सेट किया है वहीं पे इसको भी सेट कर देंगे। तो यहाँ पे भी वह भी क्लिप से इसको सेट कर लेंगे। अब सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बना लेना है। तो आप देख सकते हो ये दूसरी साइड भी हमने इस तरीके से बना लिया है एंड बैक साइड में इसको लेके जाएंगे और जहाँ पे क्लिप है वहीं पे सेट कर देंगे। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्लिप्स को लिया है और यहाँ पे सेट कर दिया। अब जैसे नीचे हमने उस साइड में बनाया था वैसे ही हेयर को लेना है, साइड से थोड़े से हेयर छोड़ देने हैं और ईयर तक के हेयर को लेके बैक साइड में कॉम करके इसको जो भी आपने हेयर स्टाइल का डिज़ाइन बनाया है वो ऊपर की तरफ से रहना चाहिए और हेयर को बैक साइड में लेके जाएंगे। अच्छे से कॉम करते हुए फिनिशिंग पूरी आनी चाहिए। अब यहाँ पे इसको भी क्लिप की मदद से सिक्योर कर देंगे। फ्रंट का जो हमारा पफ था वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया था हेयर स्टाइल बनाते बनाते, तो आप इस तरीके से खींच के उसको थोड़ा सा ऊंचा लुक दे सकते हो जिससे कि जो आपका हेयर स्टाइल होगा वो काफ़ी अच्छा दिखेगा दूसरी साइड में भी। तो चलते हैं बैक में क्या करना है अभी आपको। यहाँ से थोड़ा सा हमारा फ्लैट लग रहा है तो इसको ऐसे खींच लेंगे। ओके, अब आपको यहाँ से थोड़ा सा हेयर लेना है और सिंपल सी एक चोटी बना लेनी है। इस वाले हेयर स्टाइल को आप ओपन भी रख सकते हो, सिंपल सी एक चोटी गूंथेंगे। एंड तक पूरा इसको गूंथ लेंगे। चोटी गूंथने के बाद साइड से एक साइड का हेयर जो है उसको थोड़ा थोड़ा सा लूज करेंगे। अब जिस साइड से हमने लूज नहीं किया उधर से आपको पूरी चोटी को ट्विस्ट करना है। इस तरीके से राउंड राउंड ऐसे लपेटते हुए लेके जाएंगे और जितने भी क्लिप्स लगाए हुए हमने उसके ऊपर सिंपली इस तरीके से रखेंगे और यूपिन या बॉबी क्लिप से इसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारा हेयर स्टाइल जो है वो बनके रेडी हो गया। ये खुले बालों के लिए है। तो आप ब्राइडल को अगर हेयर स्टाइल दे रहे हो, अगर उनको ओपन हेयर स्टाइल हेयर चाहिए तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हो उनके बालों पे। साइड से कुछ ऐसा लुक आएगा, बैक से इस तरीके का लुक रहेगा, देन दूसरी साइड से। और इसी में अगर आप बन बनाना चाहते हो तो सिंपली बन भी बना सकते हो। जैसे हमने ये ब्राइड बनाया हुआ है इसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो बालों को और चोटियाँ बनाते जाओ। छः पार्ट्स में डिवाइड करके उसको सिंपल सी चोटी गूंथ देंगे। एंड तक पूरा गूंथ लेना है। अब इसको सिंपली इस बन के ऊपर इस तरीके से लपेटोगे और यू पिन से सिक्योर कर दोगे। साइड के हेयर को भी वैसे ही थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
और चोटी बना लेंगे। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारे यहाँ पे बन बन के रेडी हो चुका है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इस तरीके की ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल की वीडियोस देखने के लिए। इन सब इन हेयर्स को आप कर्ल्स कर देना, या फिर आपको स्ट्रेट रखना है तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली इस तरीके से कॉम करना है, और इस तरीके से फ्लैट लुक देते हुए हेयर स्टाइल हेयर को बैक की तरफ लेके जाएंगे, पीछे की तरफ। यहाँ से आपको फ्लैट लुक देना है, देन पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से हेयर को ऐसे खींचना है, खींच के इसको ईयर तक लेके आएंगे, देन हल्का हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने पे आप एक अच्छा सा पफ आ जाएगा, जो कि ब्राइडल के लिए बेस्ट रहेगा। एंड तक पूरा ट्विस्ट करेंगे, ओके, ट्विस्ट करके बैक तक लेके जाएंगे, और ट्विस्टिंग में हल्का हल्का सा इस तरीके से खींचेंगे, अब इस तरीके से। इसको क्लिप से सेट कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का, अब दूसरी साइड भी ऊपर की तरफ इस तरीके से लेके जाएंगे, एंड ट्विस्ट करेंगे और आगे की तरफ पुल कर देंगे। देखिए कितना सुंदर सा आपका पफ यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। अब इसको बैक साइड में लेके जाएंगे, हल्का हल्का खींच के, और इसके ऊपर ही इस तरीके से सेट कर देंगे। आप देख सकते हो फ्रंट से इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। ओके, यहीं पे हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट होता है। चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो सेकंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली पहले इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग करके, जैसे हमने फ्रंट में बैक साइड में पफ बनाया था वैसे ही बना लेना है। फिर साइड के बालों को आपको क्या करना है, बहुत आसान हेयर स्टाइल है ये ब्राइडल के लिए, और इस तरीके से पकड़ना है इस साइड के हेयर को, और अच्छे से कॉम करना है इस तरीके से, और कॉम करके इसको बैक साइड में लेके जाना है इस तरीके से कॉम करते हुए, ताकि यहाँ पर पफ का लुक आ जाए। इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल आउट करेंगे, और इसको सिंपली ट्विस्ट कर देंगे। ओके, ट्विस्ट करके देखिए कितना सुंदर सा हमारा यहाँ पे साइड पफ आ गया है बीच मांग के साथ, और इसको बैक में सेट कर देंगे। देखिए बहुत इजीली आप बना लोगे, बहुत प्यारा सा बन जाएगा यहाँ पे। अब इसको बैक साइड में लेके जाएंगे, एंड जहाँ पर हमने क्लिप लगाई थी पफ की, हल्का हल्का सा इसको खींच लेंगे, और जो ट्विस्टिंग है ना, इसमें से थोड़ा थोड़ा सा हेयर इस तरीके से खींचना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो लुक है वो बहुत अच्छा दिखेगा, एंड थोड़ा मैसी सा लुक आ जाएगा। अब जहाँ पे क्लिप लगाई थी वहीं पे इसको सेट कर देना है बॉबी क्लिप से। तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेती हूँ। जो मैंने हेयर स्टाइल बनाई हुई है इसकी भी वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरीके से सेट कर लेना है। फिर दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से बनाना है, ये हमने इस तरीके से लिया है,
और हल्का सा ट्विस्ट करके बैक साइड में ले जाके आगे की तरफ पुल करेंगे, जिससे कि हमारा पफ बहुत आसानी से बन जाए। और बैक में ले जाके इसको भी यहाँ पे सिक्योर कर देंगे बॉबी क्लिप की मदद से। ओके, तो और बैक में कैसा जूड़ा बनाना है, जूड़ा भी बहुत स्टाइलिश सा लगेगा, बहुत आसानी से बना लोगे। देखने में बहुत मुश्किल है बट बहुत ईजिली बना लोगे गाइस। अब इसको भी बॉबी क्लिप से मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ और फिर आगे कैसे जूड़ा बनाना है वो बताती हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसके साथ आप टीका लगा दो ब्राइडल को, बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है अच्छे से, अब चलते हैं जूड़ा बनाते हैं यहाँ पे। तो जूड़ा बनाने के लिए आपको सारे बालों को एक साथ लेना है एंड कॉम कर लेना है। और यहाँ पे हमारा जो पफ है वो थोड़ा सा नीचे आ गया था ट्विस्टिंग करते वक्त, तो इसको इस तरीके से पूंछ वाली कॉम जो होती है टेलकॉम, इससे इस तरीके से ऊपर की तरफ खींच दोगे तो आपका पफ दोबारा से सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं बैक साइड में जो हमको बन बनाना है उसके लिए। तो उसके लिए आपको सारे बालों को लेना है और अच्छे से कॉम करके एक पोनी बना लेनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने पोनी बना ली है। पोनी के ऊपर डोनेट बन लगाएंगे। डोनेट बन आप अपने आपको कितना बड़ा जुड़ा चाहिए उसके हिसाब से आप ले सकते हो, छोटा बड़ा। छोटा सा ही लिया हुआ है। अब यहाँ पे यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे और थोड़ा थोड़ा हेयर लेना है और इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके सिंपल सी चोटी बनाएंगे। मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सिंपल सिंपल चोटी बनानी है और डोनेट बन के ऊपर इस तरीके से लगाना है और इसको यू पिन से सेट करते जाना है। तो इसी तरीके से पूरे बालों को चोटी बनाएंगे।